हेलो फ्रेंड्स, इसके क्लिनरी आर्ट में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी, जिसका नाम है होल रोस्टेड कॉलीफ्लावर, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रखा है और पानी एकदम उबलने देने का, और आधा टीस्पून हल्दी दे रहा है इसमें, और 1 टीस्पून सॉल्ट दे रहा, 1 पूरा फुल साइज फ्लावर लिया है। इसको ठीक से देखिए, पीछे से पूरा ऐसे कटिंग किया हुआ है प्लेन करके, और इसको उबलने देने के लिए 10 मिनट्स रखना है पानी में। इसको ढक के रख देता है 10 मिनट्स के लिए। मैरिनेट के लिए हम यहाँ दही ले लिया है 100 ग्राम, वन टीस्पून मक्खन ले लिया है, 1 टेबलस्पून मेयोनीज ले लिया, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून तंदूर मसाला, 1 टेबलस्पून रोस्टेड मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, आपको जितना चाहिए उतना लेना, मैंने 1 टीस्पून भर के दिया, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, इसको अभी अच्छे से मिक्स करना होगा। ये देखिए बॉईल होके आ गया, 10 मिनट्स के लिए रखा था, एकदम अच्छे से बॉईल हो गया। फिर थोड़ा हल्का गर्म रहेगा तभी इसमें मसाला लगाना है। इसमें 1 चम्मच चीज़ भी डाल देता है, चीज़ से के खाने में भी टेस्ट आएगा और ग्लॉसीनेस भी आएगा। ये तंदूर मसाला से पूरा रैप करना होगा इसको, जो पेस्ट हम बनाए हैं एकदम अच्छे से देना होगा। इसे उल्टा करके भी लगाना है, अंदर मसाला जाए तो खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। देखिए बैक साइड से पूरा मसाला डालने का, अंदर में रहेगा तो पूरा जूसीनेस आएगा। पूरा ऐसे करके रैप करने का, मैंने बेक वाला बर्तन में ही रख दिया है, इसको बेक करना है ना। अब इसके ऊपर से डाल देती हूँ पूरा। देखिए एकदम पूरा अच्छे से इसको रैप करना है। देखिए पूरा एकदम अच्छे से मसाला उसका रैप कर दिया है। अभी इसको 30 मिनट्स के लिए हम मैरिनेट करना है, फ्रिज में रख दे रहे हैं। 30 मिनट्स के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैरिनेट करके रखा था 30 मिनट्स के लिए, अभी
कुकर में रख देता है, हम कुकर में ही बनाएगा, कुकर में ही बेक करना है, क्योंकि माइक्रोवेव सबके पास नहीं रहता है, तो इसलिए हम कुकर में दिखा रहा है। अभी इसको बंद कर देते हैं 15 मिनट के लिए। अभी 15 मिनट्स के बाद हम देखा है खोल के, तब थोड़ा बाकी था और 15 मिनट्स रखा, अभी देखते हैं खोल के कितना हुआ, चाहिए देखते हैं खोल के। देखिए पूरा तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी हम गैस ऑफ करते हैं, उसके बाद प्लेटिंग करके दिखाते हैं। पूरा तैयार हो गया है, देखिए एकदम गरम गरम है, खाने लायक जैसा हो गया है। आप लोग भी घर में बनाइए, और जिसको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।